स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके. मायसेल्फ जेपी ग्रीव फ्रॉम सारण आईटीजी मैथमेटिक्स वेलकम्स यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है. इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास दैट इज स्टैंडर्ड 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब पॉलिनोमियल का नेक्स्ट पार्ट स्टैंडर्ड 10th में हमें स्टडी करना है. यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है वह है कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशंस पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेसियस टाइम लेट्स रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. इफ पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, सपोज कर लिया कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, देन द highest power of x in px, if px be any polynomial, अगर px कोई polynomial है वैसे situation में the highest power of x in px is called degree of px. क्या कहलाता है? px की डिग्री कहलाता है, जिसे हम स्टैंडर्ड 9th में कर चुके हैं, सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ पी एक्स इक्वल टू 2x-3, पी एक्स इक्वल टू 2x-3 इज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल. अब इस पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या दिखाई पड़ रहा है? x की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, x की हाईएस्ट पावर 0 है, बिकॉज देयर इज नो x हियर. यहाँ पे कोई x नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर जो है वो 0 है और यहाँ x की संख्या 1 है. सो वी कॉल द पावर ऑफ x हियर इज 1. फॉर नेक्स्ट पॉलिनोमियल दैट वी टेक इट पी एक्स इक्वल टू 2x²-3x+5, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल. एंड वी टेक अनदर एग्जाम्पल दैट इज 7x³-5x²+2x+-3. देर आर 3 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हियर. इन फर्स्ट केस वी सी द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यूज्ड दैट इज x इज 1, सो इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. कन्फर्म हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? वैसा पॉलिनोमियल जिसमें यूज्ड वेरिएबल की पावर 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा. दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान क्या है? द पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इज 2, देन दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड फॉर द थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 3. क्लियर हो रहा है कि वैसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक कहते हैं. यहाँ पे स्टैंडर्ड 10th में जनरली हमें दो टाइप के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल. बिफोर मूविंग फर्दर वी सी द ग्राफ ऑफ दिस 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. इन तीनों टाइप के पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे.
graph of a linear polynomial. कोई भी linear polynomial जो होगा वो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज ए एक्स प्लस बी, वेयर ए बी एनी रियल नंबर. ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है और ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा. जीरो छोड़कर कोई भी रियल नंबर यह हो सकता है. तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह लीनियर पॉलिनोमियल है. तो लीनियर पॉलिनोमियल है इट मीन्स इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट इज एक ही जीरो होगा, एक ही नंबर एक्स का एक ही वैल्यू होगा जिसके लिए यह पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स. वह पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरो है. अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो यह स्ट्रेट लाइन होगा. कैसे भी हो सकता है, जर्नी कैसे होगा, किधर से भी यह हो सकता था. पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ हो गया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जीरो. इट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज विल बी अ स्ट्रेट लाइन. द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होगा वह कर्व होगा. It will be in the shape of U, upward or downward. Downward भी हो सकता था, यह downward भी हो सकता है, upward भी हो सकता है. U shaped होगा किसी भी quadratic polynomial. याद रखना है किसी भी quadratic polynomial का graph जो होगा वो U shaped होगा, upward होगा या downward होगा. Clear हो रहा है? यह हो गया px equal to ax square plus bx plus c equal to zero का graph. इस ग्राफ को पार्टिकुलर नेम दिया गया, जैसे यह स्ट्रेट लाइन हो गया वैसे इसका नेम होगा पैराबोला. पैराबोला द यू शेप्ड फिगर इज नोन एज पैराबोला, जिसे हम स्टैंडर्ड 11th में काफी डीपली पढ़ने वाले हैं. यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम ग्राफ के बारे में देख रहे हैं. तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो किस शेप का होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, सर्किल होगा, इलिप्टिकल होगा, समथिंग करके रहेगा. तो वहाँ आप लोग ऑप्शन में टिक लगाएंगे कि वो क्या होता है, पैराबोला शेप का होता है. क्लियर हो गया कि जब भी लीनियर का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक शेप का बनेगा. पैराबोलिक, पैराबोला क्या होता है, यू शेप्ड कर्व. वह कर्व जो यू शेप का हो, या तो वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड हो, दोनों साइड से हो सकता है. अब इसके बाद इसके साथ साथ हम जीरोज को देखेंगे कि क्या ग्राफ के हेल्प से हम जीरोज बता सकते हैं कि इस अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया रहे तो वहां से हम जीरोज बता सकते थे. यस, we can easily find the zeros of a polynomial by observing its graph. इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं. अब जैसे पी एक्स को मैं कंसिडर करता हूँ, तो पी एक्स क्या हो गया, एक्स प्लस बी. पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी हो गया. इट मीन्स इसका ग्राफ यहाँ बना हुआ है. ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल यूज फाइंड करेंगे. क्या करेंगे, वेरिएबल यूज्ड. तो यूज्ड वेरिएबल एक्स है. इट मीन्स इस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही नंबर ऑफ जीरोस होगा. यह जो पॉलिनोमियल था वह एक्स में है, एक्स में पॉलिनोमियल है, वेरिएबल इसमें जो यूज हुआ है वह एक्स है. इट मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा वह ग्राफ एक्स है, इसको जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा है, वन एंड ओनली वन पॉइंट पर. वाई एक्सिस को वन पॉइंट पर कर रहे हैं, बट वाई एक्सिस से कोई मतलब हमें नहीं है. हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता था. एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज बता देंगे. नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो वन होगा.
फर्स्ट केसेस के लिए, px के लिए जब लीनियर होगा तो x एक्सिस सिर्फ एक और एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए इसका ग्राफ क्या हो गया, वन हो गया। अब सेकंड का, सेकंड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसका नंबर ऑफ जीरोज अगर कोई पूछे तो नंबर ऑफ जीरोज यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ जो है x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। x एक्सिस ही क्यों देख रहे हैं, बिकॉज इट इज अ पॉलीनोमियल इन वेरिएबल x, यह पॉलीनोमियल है और पॉलीनोमियल किस में है, तो x में है, वेरिएबल x है, तो x एक्सिस ही देखना है कि x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x एक्सिस को यह दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल विल बी 2। इट मींस अगर किसी पॉलीनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ के हेल्प से हम यह बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी कि उसके जीरोज की संख्या कितनी होगी, यह इजीली हम बता सकते हैं। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में उसके रिलेशंस को देखते हैं। नोट करना हो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कैसे नोट करना है, इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को, नोट कर लेना है। क्लियर। और एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब तक आपने अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को भी यह वीडियो सजेस्ट कीजिए, ताकि वो भी अपना मैथ्स जो है घर बैठे इस COVID-19 के युग में मैथमेटिक्स सीख सकें। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, तो अभी अभी हमने क्या सीखा, अभी अभी सीखा कि अगर किसी पॉलीनोमियल का ग्राफ दिया हो तो ग्राफ के हेल्प से हम बता सकते हैं उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। नाउ वी विल गोइंग टू सी और ऑब्जर्व हाउ जीरोज इज और जीरोज आर ऑफ अ पॉलीनोमियल रिलेटेड टू इट्स कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम लीनियर से स्टार्ट करते हैं, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक पर फोकस रहेगा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में क्यूबिक की तरफ जाएंगे। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अब पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है और इसका जीरोज फाइंड करना है, तो हम इलेवेंथ में इन स्टैंडर्ड नाइन्थ में हम लोग जीरोज फाइंड किए थे, वहाँ लीनियर ही पॉलीनोमियल थे जिनका हम जीरोज फाइंड करते हैं। कैसे निकालते थे, फॉर द जीरोज ऑफ पी एक्स, पी एक्स के जीरोज के लिए क्या करते थे, सब नाइन्थ का ही है तो जो दिया हुआ है पी एक्स दैट इज पॉलीनोमियल उसको जीरो के इक्वल कर देंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वेरिएबल एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स इन लीनियर, इन द केस ऑफ लीनियर, लीनियर पर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ अगर लीनियर पॉलीनोमियल दिया हुआ है तो उसका जीरोज हम कैसे फाइंड करते थे, तो वो उसको जीरो के इक्वल कर देते और सॉल्व करके एक्स का जो वैल्यू आता था वही वैल्यू उस पॉलीनोमियल का जीरोज कहलाता था। अब यहाँ बी और ए जीरोज हम निकाले हैं, जीरोज में बी और ए हैं, तो बी एक्चुअली है क्या यहाँ, तो बी इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म एंड ए इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म है, यानी कि ये सब पूरा कर नहीं करके हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी लीनियर का जीरोस फाइंड कर सकते हैं। यह तो हो गया लीनियर के केसेस में। तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में भी जो जीरोज होंगे, यहां तो जीरोज एक था क्योंकि लीनियर था, अगर क्वाड्रेटिक के लिए जाएंगे तो क्वाड्रेटिक के लिए
जीरोस कितने होंगे? दो होंगे। क्यूबिक के लिए जीरोस थ्री होंगे, यानी कि जितनी उसकी डिग्री होगी, किसी पॉलीनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इसको ध्यान रखना, इसको याद रख लेना कि नंबर ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यूज्ड, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन अ पॉलीनोमियल। किसी पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल यूज्ड है, उस यूज्ड वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज उसमें होंगे। तब अब क्वाड्रेटिक के लिए जाते हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक पर हम डिस्कस करते हैं। तो क्वाड्रेटिक के लिए जैसे जाएंगे तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि हाईएस्ट पावर तो टू है, डिग्री टू है, तो डिग्री टू है तो नंबर ऑफ जीरोज भी दो होंगे। तो क्या वे दोनों जीरो जो हैं उसके कॉफिशियंट से रिलेटेड है कि नहीं, तो उनका भी रिलेशन है, उस रिलेशन को देखेंगे और जीरोज फाइंड कर उस पर क्वेश्चन हम करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा अब यहाँ जीरोज है तो जीरोज को हम पार्टिकुलर नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल px, if alpha and beta be the zeros of a quadratic polynomial px ax square plus bx plus c, then alpha plus beta यानी कि sum of zeros किसके इक्वल होगा, the sum of zeros will be equal to minus b divided by a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरो मस्ट बी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है वह यह है कि सम ऑफ जीरोस मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस must be equal to c by a। तो अब that is in exercise 2.2 exercise में हमें इसी पर best question करना है zeros और coefficient के बीच के relation का। ये तो first point हो गया। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि polynomial ना दिया हो और सिर्फ zeros दे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? polynomial नहीं दिया हुआ है, zeros दिया हुआ है, पॉलीनोमियल ना दिया जाए, जीरोस दिया जाए, तो पॉलीनोमियल कैसे हम निकालते हैं? इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देन polynomial px will be k into x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta। अगर polynomial ना दिया जाए और polynomial के zeros हमें known हो, if we have the zeros of any polynomial then we can find the polynomial px as k into एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस दिए गए उनको ऐड करके डाल देंगे, इनटू एक्स। जरूरी नहीं कि एक्स ही डालना है, वाई भी डाल सकते हैं, टी डाल सकते हैं, पी डाल सकते हैं, क्यू डाल सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सकते हैं, जनरली एक्स लिखा जाता है। तो पॉलीनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या क्या चाहिए हमें? सम ऑफ जीरोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ किसी पॉलीनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अगर फाइंड करना है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फाइंड करने के लिए हमें सम ऑफ जीरो चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कभी कभी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज दिया होता है, डायरेक्ट उस वैल्यू को यहाँ डाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डाल देंगे। अगर सिर्फ जीरोज दिया हुआ है तो उन दोनों को ऐड करके
पहले सम निकालेंगे फिर डालेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल रहा है, तो उसके बाद इसमें पुट करेंगे। अदरवाइज अगर सम और प्रोडक्ट दिया है तो डायरेक्ट उस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। Now we start exercise 2.2. In exercise 2.1, there are graphs and it is asked how many zeros of a given polynomial. First exercise में graph दिया हुआ है और उस graph को देख करके हमें बताने हैं कि जो polynomial है उसके zeros कितने हैं। तो already बता चुका हूँ कि x axis को जितने point पर intersect करेगा उतने ही उसके zeros होंगे। अब एक्सरसाइज 2 बुक में जो दे रखा है, इस बुक के आप लोग का एनसीईआरटी के बुक है 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो यहां दिया हुआ है, गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ईच एंड एवरी वीडियो में मैं बार बार आप लोगों को इंस्ट्रक्ट कहूँ कि क्वेश्चंस को करने का तरीका सीखिए, हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन टू गेट फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन करने के तरीके हमें देखना है। क्वेश्चन दिया फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके जीरोस को पहले फाइंड करें। जीरोस कह रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 है और डिग्री 2 दे रखा है, तो अगर डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। उन दोनों जीरोस को हमें फाइंड करना है। स्टैंडर्ड 9th में हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकालना सीखे थे, तो यहाँ भी इसको इसका फैक्टर निकाल लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे 8 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करके, क्योंकि माइनस 8 है तो माइनस करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 4 और 2 पर सेट करें, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकालना है। क्लियर हो रहा है? अब फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस 4 और 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ भी एक्स माइनस 4 हो जाएगा। अब हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक्स प्लस 2 हो गया और एक एक्स माइनस 4 हो गया, दो फैक्टर होंगे। अब हमें क्या निकालना था, जीरोज निकालना था। तो यहाँ लिखेंगे फॉर जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जीरोस के इक्वल कर देंगे। मतलब पी एक्स को जीरो के इक्वल करता है। पी एक्स जीरो तभी होगा जब दोनों में से कम एक जीरो होगा, या तो एक्स प्लस 2 का वैल्यू जीरो हो जाए या एक्स माइनस 4 का वैल्यू जीरो हो जाए, तो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब यह हमारे पास नहीं मालूम है पहले से कि कौन सा जीरो हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम दोनों को जीरो के इक्वल सपोज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर लेंगे और x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू 4 हो गया और यहाँ से x का वैल्यू माइनस 2 हो गया। क्लियर हो गया? ये दो जीरोज निकल के थे। जेनरली जीरोज को हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हेंस जीरोज ऑफ पी एक्स आर अल्फा इक्वल टू माइनस 2 और बीटा इक्वल टू 4। तो ये दोनों जीरोज आ गए, फर्स्ट पार्ट कन्फर्म हो गया। जो फर्स्ट पार्ट 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, तो जीरोज फाइंड कर ले। जीरोज फाइंड करने के बाद और क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है कि वो सही है या नहीं है। यानी दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि इसको चेक करना है कि ये जो जीरोज निकले हैं वो
सही निकले हैं कि नहीं निकले, तो इसको चेक करने के लिए वही वेरिफिकेशन करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो जीरो लिखेंगे इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, कोफिशिएंट इसको तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, और कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं इन अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में। अगेन ए इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, कोई नंबर नहीं है तो वन सपोज कर लेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को बी सपोज करते हैं दैट इज माइनस टू, और कांस्टेंट टर्म को सी सपोज करते हैं दैट इज माइनस एट। तीनों कोफिशिएंट हो गया और दोनों हमारे पास जीरोज निकल चुके हैं, जीरोज हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कोफिशिएंट है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशंस हम एस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशंस क्या है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू वहाँ था माइनस ए बाई बी, अल्फा प्लस बीटा जो होता था माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा का वैल्यू माइनस टू बीटा का फोर, तो माइनस टू प्लस फोर लिखेंगे, यहाँ माइनस हो गया और बीटा बी बी का वैल्यू यहाँ माइनस टू है तो माइनस टू हो गया, और ए का वैल्यू वन है तो फोर में से टू माइनस होगा तो यहाँ बच गया टू, और माइनस माइनस प्लस टू, ये वेरीफाई हो गया। क्यों वेरीफाई हो गया, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों का इक्वल आ गया, तो एक पार्ट वेरीफाई हो गया। इसका दूसरा पार्ट वेरीफाई करेंगे एंड करके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू इंटू एट इक्वल टू सी का वैल्यू यहाँ माइनस एट, अल्फा का वैल्यू टू और बीटा का वैल्यू फोर है नॉट एट, फोर यहाँ सी कॉन्स्टेंट ऑफ माइनस एट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, तो यहाँ माइनस एट इक्वल टू माइनस एट, यहाँ भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, इट मीन्स वो वेरीफाई हो रहा है, क्या लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हम 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने किया, और यह देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया बोर्ड के एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को 3 मार्क्स होगा। सबसे पहले हम कोफिशिएंट को जीरोस को फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करने के फैक्टर निकालेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, अल्फा बीटा सपोज करेंगे, एक को किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि माइनस टू को अल्फा मानेंगे फोर को, कोई अंतर नहीं पड़ता है, किसी एक को अल्फा मानेंगे जो बच गया उसको बीटा मान लेंगे, फोर को भी हम अल्फा मान सकते थे और माइनस टू को बीटा मान सकते थे। अगर जीरोस फाइंड करने को क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो यहीं पे आंसर उसको ड्रॉप कर देंगे, अगर वेरीफाई करने को आ गया, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तब हम इसको आगे बढ़ाना है। क्लियर, गॉट इट। एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों में तीन तीन टर्म है। अब क्वेश्चन है फोर्थ और क्वेश्चन है फिफ्थ में सिर्फ दो टर्म है, डोंट वरी, उनको कैसे करना है ये करते हैं, क्वेश्चन है फोर हम कर देते हैं यहाँ, क्वेश्चन है फोर्थ ऑफ वन, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो यहाँ जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहले लिखेंगे गिवेन पॉलिनोमियल, स्टेप्स वही है लिखने का, गिवेन पॉलिनोमियल पी यू, यहां एक्स नहीं है, एक्स रहता है तो पी एक्स लिखते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है यू की टर्म में दे रखा है, यानी वेरिएबल जो है वो यू है और कोई अंतर नहीं, फोर यू स्क्वायर माइनस एट यू, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू दे रखा है,
यह पॉलिनोमियल दे दिया हुआ है। सबसे पहले वही क्वेश्चन वही है, जीरोस फाइंड करें और कोफिशिएंट और जीरोस के बीच रिलेशन को वेरीफाई करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालें, कोफिशिएंट नो जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालेंगे। गुड, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए तो सिर्फ दो ही टर्म दिया हुआ है, तो जब दो टर्म दे रखा है तो मिडिल टर्म स्प्लिट का फैक्टर ही नहीं निकलेगा। सिंपली हम क्या करेंगे, जो पार्ट कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकालेंगे। टेकिंग कॉमन फोर यू फ्रॉम बोथ टर्म्स वी हैव यू प्लस टू। फोर यू जैसे ही हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यू प्लस टू बच जाएगा। फिर यहां लिख देंगे फॉर द जीरोज ऑफ पी यू। पी यू के जीरोज के लिए क्या करें, दोनों को जीरो के इक्वल करेंगे। एक बार फोर यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा और एक बार यू प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ यू जीरो बाई फोर, तो जीरो को फोर से डिवाइड करें क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और यहाँ यू का कितना हो गया, यहाँ यू का हो गया माइनस टू। देयरफॉर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू जीरो हो गया और बीटा इक्वल टू माइनस टू हो गया। यहीं पे आंसर हो गया, एक पार्ट का आंसर हमारा कन्फर्म हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है, जीरोज को कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। क्या करेंगे, अगेन ए इक्वल टू ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जहां एक्स स्क्वायर रहेगा वहां ना एक्स स्क्वायर, यहां तो यू है तो कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर ए हो गया। बी क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ यू, और सी कांस्टेंट टर्म, तो यहां तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उस कांस्टेंट टर्म की जगह पे सी का वैल्यू जीरो डाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा हो गया हमारा जीरो और बीटा हो गया माइनस टू, तो जीरो प्लस माइनस टू करेंगे तो माइनस टू ही हो जाएगा। माइनस बी का वैल्यू कितना है जी, बी का एट है और ए का फोर है, तो एट बाई फोर कैंसिल करेंगे कितना हो गया टू, माइनस टू इक्वल टू माइनस टू। दिस इंप्लाइज दैट वेरीफाई हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, इट मीन्स वो वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ जीरोज हो गया इंटू बीटा का वैल्यू माइनस टू, और कॉन्स्टेंट टर्म जीरो डिवाइडेड बाई ए का फोर, तो जीरो को माइनस टू से मल्टीप्लाई करने पर जीरो जाएगा और जीरोज को फोर से डिवाइड करें तो भी जीरो जाएगा। क्लियर हो गया, ये हम देख रहे हैं ये दोनों केसेस में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, और इस तरह से हमारा थ्री मार्क्स कन्फर्म हो गया कि ओके। नाउ राइट इट डाउन एंड वी टेक द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, अब सेकेंड टाइप का इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, जो दो कॉन्सेप्ट इसके जस्ट पहले में बताया था उसमें से दोनों टाइप का, अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फाइंड करना है। इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया था, जीरोस फाइंड करना था और उसके रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना था। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं ईच क्वेश्चन में, ईच पार्ट में, सेकेंड क्वेश्चन के ईच पार्ट में दो नंबर्स दिए गए हैं। दोनों नंबर्स में पहला नंबर जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, सम ऑफ जीरोज, एंड द सेकेंड नंबर इज इंडिकेटेड एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया, गिवन इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक
polynomial, then alpha plus beta का वैल्यू दिया हुआ है, sum of zeros दिया हुआ है, तो sum of zeros कितना हो गया 1/4, and product of zeros दिया हुआ है, product of zeros दिया हुआ है -1, sum of zeros हो गया 1/4, product of zeros हो गया -1, हमें क्या find करना है, quadratic polynomial को find करना है, therefore px equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, यही क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला था कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे फाइंड करेंगे यदि हमारे पास जीरोस दिए गए हैं। तो यहाँ जीरोस नहीं दे रखा है बल्कि जीरोस के सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो गया 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा -1 दे रखा, तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ, तो ये हो गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4, अब 4 इसमें आ जाएगा के के साथ, तो k बाई 4 और अंदर बच गया हमारे पास x² माइनस x माइनस 4, तो जो भी k के साथ होगा, k यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट, k के साथ जो भी होगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको लीव आउट कर देंगे, और जो अंदर बचेगा विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ फ्रैक्शन नहीं है, तो जो बिना फ्रैक्शन में हो, जो इस फॉर्म में होगा, वही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पीएक्स इक्वल टू 4x² माइनस एक्स माइनस 4, कन्फर्म हो गया कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है तो डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज को यहां डाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को यहां डाल देंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, कहीं कहीं ये फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं होगा, तो बस फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं है तो सिर्फ के को छोड़ देंगे, फ्रैक्शन का पार्ट था तो उसको हम के साथ लेकर आ गए बाहर, और जो अंदर होगा विदाउट फ्रैक्शन पार्ट, वही हमारा रिजल्ट हो गया, कन्फर्म हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, मतलब दैट 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, इस टाइप का अदर भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इतना एबल हो गए हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक मिनट की और वीडियो रह गया है, यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो तो कहीं कहीं क्वेश्चन में सिर्फ जीरोज दिया रहता है, 1/4 और -1, 1/4 और -1 अगर जीरोज रहता तो क्या करते हैं कि उन दोनों को ऐड करते हैं, 1/4 -1 को ऐड करके सम ऑफ जीरोज बनाते, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट निकलता है। यहाँ पे सम ही दे रखा है और प्रोडक्ट ही दे रखा है, लेकिन जहाँ पे जीरोज दिया रहेगा तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा, और उसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे। गॉट इट? यस। नाउ विद इट आई क्लोज दिस वीडियो, इसके साथ ही इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चर्चा करें, तब तक के लिए गुड बाय।